बॉलीवुड के शुरुआती दौर में जब सिर्फ फिल्मों में मेल कॉमेडियन होते थे, तब एक मोटी सी लड़की ने कॉमेडियन बनकर हिंदी सिनेमा के नए दौर की शुरुआत की थी। ये थी टुनटुन। जी हाँ, टुनटुन यही वो नाम है जिन्होंने भारतीय सिनेमा की दुनिया में अपने कॉमेडी से एक अलग ही छाप छोड़ी है। बड़े पर्दे पर कभी हीरोइन की सहेली, कभी हीरो की बहन बनकर लोगों को उन्होंने खूब हंसाया। मगर खुद टुनटुन की जिंदगी इतनी दर्दनाक थी कि जिसकी कल्पना करना भी थोड़ा मुश्किल ही है। तो आइए आज हम आपको टुनटुन की 20वीं पुण्यतिथि पर उनकी जिंदगी से जुड़े कुछ किस्से बताते हैं। बताया जाता है कि जब टुनटुन 2.5 साल की थी, तब रिश्तेदारों ने प्रॉपर्टी के कारण उनके माता पिता की हत्या कर दी थी। इसके बाद दो बच्चे बचे, एक टुनटुन और दूसरे उनके बड़े भाई हरी। रिश्तेदारों ने दोनों बच्चों को अपने यहाँ पनाह दी, लेकिन नौकर की हैसियत से। कुछ समय के बाद टुनटुन के भाई की भी हत्या कर दी गई। हालांकि टुनटुन को बचपन से ही गाना गाने का बहुत शौक था। वो अक्सर रेडियो से गाने सुनकर उसका रियाज किया करती थी। टुनटुन की बचपन से ही तमन्ना थी कि मुंबई आकर गायकी में अपना करियर बनाए, लेकिन उस दौर में लड़कियों का पढ़ाई करना तक मुश्किल था, तो गायिका बनना तो दूर की बात थी। लेकिन फिर भी टुनटुन ने हार नहीं मानी। अपने सपनों को पूरा करने के लिए टुनटुन 23 साल की उम्र में घर से भागकर मुंबई आ गई। मुंबई आने के बाद टुनटुन ने काम के लिए जाने माने कंपोजर नौसाद का दरवाज़ा खटखटाया। इतना ही नहीं, नौसाद से मिलने के बाद टुनटुन ने उनसे कहा था कि वो बहुत अच्छा गाती हैं और वो उन्हें काम दे दें, नहीं तो वो समुद्र में कूद के अपनी जान दे देंगी। जिसके बाद नौसाद ने उन्हें प्लेबैक सिंगिंग के लिए साइन कर लिया। उनका पहला गाना था अफसाना लिख रही हूँ दिले बेकरार का। टुनटुन का गाया ये पहला गाना खूब हिट हुआ था। इसके बाद तो टुनटुन ने कई साल तक गाने गाए। टुनटुन का करियर बतौर गायिका ठीक चल रहा था, लेकिन उस दौर में कई नई गायिकाएं फिल्मी दुनिया में आने लगी थी। टुनटुन को गाने मिलने कम हो गए तो नौशाद साहब ने उन्हें सुझाव दिया कि तुम फिल्मों में एक्टिंग क्यों नहीं करती। जिसके बाद टुनटुन भी फिल्मों में आने के लिए फौरन तैयार हो गई, लेकिन इसके लिए उन्होंने एक शर्त भी रख दी थी। टुनटुन ने कहा, अगर दिलीप कुमार के साथ फिल्म होगी तभी वो एक्टिंग शुरू करेंगी। नौशाद उनकी बात सुनकर हंस पड़े। हालांकि नौशाद ने दिग्गज स्टार दिलीप कुमार से टुनटुन के साथ काम करने के लिए बात की और टुनटुन को फिल्म बाबुल में काम दिलवा दिया। इसी फिल्म से उनका नाम उमा देवी से टुनटुन कर दिया गया और यहीं से बॉलीवुड को अपनी पहली महिला कॉमेडियन भी मिली। उमा से टुनटुन नाम रखने के बाद वो इतनी लोकप्रिय हुई थी कि टुनटुन का नाम खूब चलने लगा। इसके बाद टुनटुन ने आर पार, मिस्टर एंड मिसेस पचपन, प्यासा और नमक हलाल समेत लगभग 198 हिंदी और उर्दू फिल्मों में काम किया। उनकी आखिरी फिल्म कसम धंधे की थी, जो कि 1990 में रिलीज हुई थी। वहीं 90 के दशक में पति की मौत के बाद टुनटुन ने खुद को फिल्मों से अलग कर लिया। 24 नवंबर 2003 को लंबी बीमारी के बाद टुनटुन का निधन हो गया। मौत के वक्त उनकी उम्र 80 साल थी। भले ही टुनटुन अब हमारे बीच नहीं रही हो, लेकिन उनकी कमाल की कॉमेडी की वजह से उनके फैंस आज भी उन्हें याद करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।